मीन राशि के महानुभाव साढ़े साथी के प्रथम प्रवास क्रम के अंतिम चरण में राहु और केतु मीन और कन्या राशि में अपने मध्याह्न को प्राप्त करके आगे बढ़ने की तैयारी कर रहे हैं। ये भी एक महत्वपूर्ण गतिविधि जो यहाँ सामने बनी हुई, इसका सीधा और स्पष्टतम अर्थ जो सामने निकल कर आता है वो यही कि जो राहु की स्थितियां हैं वो प्रथम भावस्थ क्रम में मीन राशि स्थान में जो चल रही है और केतु जो सप्तम भावस्थ क्रम के साथ में गतिमान है अपने अंशगत व्यवस्थाओं के 50% तक के भ्रमण काल को जो वक्री अवस्थाओं के साथ में होता है उसे पूर्णता दे चुके हैं। अक्टूबर 2023 वो समय था जहां राहु और केतु परिवर्तन की तरफ गए, वक्री चलते हुए इनकी अवस्थाएं यहाँ मेष और तुला से निकली, मीन और कन्या के साथ प्रवेश करने वाली रही। मई 2025 वो समय रहेगा जहाँ राहु और केतु पुनः परिवर्तन की ओर होंगे कुंभ और सिंह राशि की ओर। परंतु ये गौर कीजिएगा कि अभी इस समय के साथ में 9 महीनों का जो अंतराल है वो पूर्ण हो चुका है। इसे मध्यान्ह पूर्णता का आधार कहा जाता है। राहु और केतु की जो स्थितियां है वो व्यक्ति विशेष के जीवन के साथ में अवचेतन को प्रभावित करती है। अवचेतन से चेतन की यात्रा ही जीवन का सबसे प्रमुख संकल्प शक्ति का आयाम है। कितने नएपन के साथ और कितना नया देखते हुए इस जीवन को वर्तमान क्षण में जिया गया, यही चैतन्य का स्वरूप व्यक्ति विशेष के साथ में निरंतर तौर पर गतिमान होता है। तो अब आप ये देखिएगा कि राहु और केतु जिस भी भाव के साथ में होते हैं वहां संशय की स्थितियों को और गहराई के साथ में लेकर चलते हैं। केतु जहां भ्रम से हटाकर व्यक्ति को आध्यात्मिक तौर पर तात्विक स्थितियों को देते हैं, तो वहीं राहु की स्थितियां व्यक्ति के अंतर चेतन को प्रभावित करते हुए आगे की यात्रा को बढ़ाती है। तो यहाँ जो राहु की स्थितियां हैं वो प्रथम भावस्थ क्रम में शनिदेव द्वादश भावस्थ क्रम में चलते हुए देव गुरु बृहस्पति प्रथम ही शोकर पराक्रम भाव में शनिदेव और देव गुरु बृहस्पति को यहाँ दर्शाया नहीं गया है। परंतु आप देखिएगा कि राहु का जो अवस्थित अंतराल होता है उसमें उनका फल शनिदेववत फल होता है, तो साथ ही साथ में दृष्टि संबंध एक तरह से देव गुरु बृहस्पतिवत जुड़ा होता है। पांचवी और नौवीं प्रमुख दृष्टि राहु की रहती है सातवीं के अलावा। तो जो यहाँ पर आपके साथ में इतने लंबे समय से कन्फ्यूजन्स बने हुए थे, डिले आया तो समझ नहीं पा रहे थे क्यों आया, क्लैरिटी जिस फ्रेम में निकल कर आनी थी वो अभी तक सामने निकल कर नहीं आ पाई, उसने भी कहीं ना कहीं हतोत्साहित करने का कार्य किया। जो भ्रम रहे, किसी इंटरव्यू की तरफ गए, नॉलेज था परंतु उस पोजिशन को एक्सप्लोर नहीं कर पाए, फियर के साथ में खुद को जोड़ते रह गए। अनुभव की कमी भी कई बार व्यक्ति विशेष के साथ में भय को जोड़ने वाली होती है। उस एक अवस्था क्रम को आप यहाँ काफी हद तक व्यवस्थित करते चले जा रहे हैं। पहले तो कोई भी इंटरव्यू वगैरह की अब अप्रोच आती है उसमें कॉन्फिडेंट क्लैरिटी आपके साथ में बनी रह सकती है। किसी भी मैंडेटरी पोजीशंस के चेंजेस की अप्लीकेबल अप्रोच सामने है तो वहां पर भी आप खुद को काफी हद तक पॉजिटिविटी के साथ में फ्रेम कर सकते हैं, अपनी जर्नी को एक अलग पर्पसफुल बेस देने का कामकाज कर सकते हैं। इसमें कोई भी और घबराहट के सिरे हम आपके लिए देखने वाले नहीं होते। ये एक स्पेसिफिक क्लैरिटी अपने साथ में आप अपना कर रखने की कोशिश कीजिएगा। फंक्शनल मोड पर बारंबार स्वयं को ये समझाने की ज़रूरत है कि भीतर की जो भयाक्रांत करने वाली स्थितियां थी अब वो हटती चली जा रही है। मन पुनश्चय अपने विचारों के सारे ही तारतम्य को प्राप्त करने के बोध के साथ में है। साढ़े शांति के प्रथम प्रवास क्रम का बहुत बड़ा हिस्सा बीत चुका है, इसलिए एक फंक्शनल क्लैरिटी भी आने लगी है कि क्या करना और कैसे करना है। इसी वजह से आप अपने भीतर के भय को काफी हद तक हटाने की प्रयासों की स्थितियों के साथ में सकारात्मक तौर पर हैं। राहु गुरु के राशि स्थान में, कई बार व्यक्ति की जानकारियां ही उसको अधिक नकारात्मक करने वाली होती है। जितनी सूचनाओं को एकत्रित करने का आधार रच रहे हो उतना ही कई बार व्यक्ति विशेष अपने भीतर के अवस्थित क्रम को सजग नहीं करके भयाक्रांत करता है। इस एक बात को बारंबार अपने साथ समझकर चलिएगा। राहु का दृष्टि संबंध पंचम भाव के साथ में जुड़ा हुआ। अब आप देखें कि चंद्रमा राशि स्थान के साथ जुड़कर जो द्वितीय त्रिकोण की स्थिति है वहां राहु का क्रम, हालांकि राहु तीनों ही त्रिकोणों के साथ में अपनी अवस्थाओं को रखे हुए हैं, भली प्रथम हो, पंचम हो, चाहे नवम की अवस्थाएं हो, तो जो यहां पर इनका दृष्टि संबंध जुड़ा हुआ है वो बारंबार एक ही प्रसाइज इंडिकेशन आपके सामने रखने वाला हो जाता है कि आप इस समय के बोध के साथ में चलते हुए स्टॉक मार्केट संबंधी कामकाज में काफी हद तक धीमे बन में रहिएगा। संतान पक्ष के साथ बारंबार वैचारिक विद्रोह की स्थितियां निकल कर आने वाली नहीं हो वहां पर भी खुद को सजग रखने की जरूरत होगी। अब आप देखिए कि आप केमिकल संबंधी कामकाज
औषध विज्ञान संबंधी कामकाज, इंश्योरेंस संबंधी कामकाज, जहां लोगों को अवेयर करने की रिक्वायरमेंट होती है, जैसे किसी भी फ्रेम के साथ में स्पेसिफिक नोट पर आप चलते हैं तो वहां पर भी काफी हद तक पॉजिटिविटी के मेजर्स आपके लिए स्टेबलाइज होने की पोजिशंस को बनाते ही चले जाते हैं, जिसमें कोई भी और फंक्शनल बेसिस पर निगेटिविटी के बेसिस नहीं है। हम यहाँ बारम्बार आपसे निवेदन करना चाहेंगे कि जो कार्य लंबे समय से आपके लिए गतिशीलता के भीतर नहीं आ पा रहे थे, स्थिरता के जो एक तरह से प्रभावी क्रम होते हैं उनको लेकर नहीं आ पा रहे थे, उनमें भी आपके लिए अटमोस्ट पॉजिटिविटी के बेसिस या एक्युमुलेशन में आगे बढ़ते चले जाते हैं। मन के भीतर की नकारात्मकता के क्रम हट रहे हैं और जीवन भरपूर सार्थकता भरे आयाम को साथ साथ लेकर चलने की तैयारी करता चला जा रहा है। ये अवस्था अपने भीतर तक निर्देशित करके रखने का आप प्रयत्न कीजिएगा कि इस समय में विद्यार्थी वर्ग लूज फोकस के साथ में हो सकते हैं, डिस्ट्रक्शंस की अप्रोच आपको काफ़ी हद तक सताने वाली हो सकती है, उससे भी स्वयं को संभालना आपके लिए अत्यधिक आवश्यक प्रक्रियाओं के साथ में एक तरह से रखने वाला क्रम कहा जाएगा। मन छोटी छोटी बातों के साथ में खुद को दुविधाओं में उलझाने वाला नहीं हो, इस बात पर भी आप खुद को संभाल कर आगे बढ़ाने की कोशिश कीजिएगा। जो यहाँ पर राहु का दृष्टि संबंध नवम भावस्थ क्रम में है और अपने मध्याह्न को पार कर चुका है, यहाँ स्पिरिचुअल प्रोग्रेस में अब धीरे धीरे बढ़ोतरी है, भीतर की ताकत पुनः लौटने की प्रक्रियाओं के साथ में आपके लिए है। छोटी सी दुविधा शरीर पर आई, उसने आपको घबराहट देने का काम किया, छोटी सी और कोई बाधा निकल कर आई, उसने भी नकारात्मक करने का काम किया, धीरे धीरे उन अवस्थाओं से आप हटकर अपने भीतर के स्थिरगामिता के बोध को प्राप्त करने के जो संयोजन होते हैं वो बनाने का क्रम रचते चले जा रहे हैं। ये भी स्पष्टता देखिएगा कि हायर एजुकेशन को रिलेट करते हुए प्रोस्पेक्ट में आप कहीं पर भी मेजर एडमिशन के बेसिस को फाइनेंशियल बर्डन में देख रहे हैं। एक बार फिर से सारी ही पोजिशंस को चेक करके क्यूमुलेशन में जो खुद को आगे के प्रोस्पेक्ट्स देने होते हैं उन्हें भी आप बनाकर रखने की कोशिश जरूर करते चले जाइएगा। एक महत्वपूर्ण बात यह भी है कि आप यहाँ शिव उपासना को आधार बनाकर चलें। जितना अभी वर्तमान समय में जो श्रावण मास भी चल रहा है उस समय जितना भीतर तक आप शिव उपासना के तत्व विशेष को जोड़ते हैं, भीतर के स्थिरगामिता के बोध को अपनाकर आगे बढ़ने की यात्रा भी तय करते चले जाते हैं। सेवंथ हाउस के केतु की भी अप्रोच है, इसी वजह से मन धीरे धीरे घबराहटों से जो मुक्त होने की प्रक्रिया है उसको प्राप्त करता चला जा रहा है। वहां से भी एक स्पेसिफिक नोट ऑफ क्लैरिटी आपके लिए कांस्टेंट बेसिस पर बनी हुई है, जिसको भी आप अपनी रिदम में फॉलो करते चले जाइएगा, ये भी निवेदन करना चाहेंगे। याद रखें कि जब भी केतु की स्थितियां सप्तम भावस्थ क्रम में होती है, कई बार गृहस्थ पक्ष के साथ में इतना अटैचमेंट मिल जाता है कि व्यक्ति बाकी सबको गौण समझने लगता है, बाकी संबंध जैसे हैं वैसे चल रहे हैं, और कई बार इतना डिटैचमेंट मिल जाता है कि व्यक्ति विशेष उसी संबंध को अपने साथ में सबसे बड़ा विद्रोही मानने लगता है। महीने भर तक जिस संबंध के बिना जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती थी, महीने भर बाद में ऐसा लगने लगता है कि पूरा जीवन किस तरह से निकलेगा ऐसे। ये जो प्रक्रिया है कई बार दुविधाएं देने वाली होती है, इसी वजह से केतु के साथ में जब भी अंशगत व्यवस्थाओं का मध्याह्न पूर्ण हो चुका हो, व्यक्ति आकस्मिक निर्णय लेने से बचे, गृहस्थ पक्ष भी किसी कंक्लूजन की तरफ पहुंच रही है या फिर पहुंच रहे हैं, आप दोनों ही अवस्थाओं के साथ में भली पत्नी पक्ष हो या फिर पति पक्ष के आधार पर स्थितियों को संभाल कर चलिएगा। यहाँ आपके लिए बिजनेस की पोजिशंस के साथ में बड़े डिसीजंस में थोड़ा सा रुक कर चलने की जरूरत रहेगी। आपको लग रहा है कि यहाँ तो मुनाफा ही मुनाफा, तब भी खुद को कहा जाए कि कोई दिक्कत नहीं, थोड़े मुनाफे में कमी होगी लेकिन हम जल्दबाजी में निर्णय नहीं लेंगे। बिजनेस पार्टनरशिप में भी डिटैचमेंट के फ्लो को इंस्टेंट बेसिस पर अपने साथ अपनाने से आप यदि बचते हैं तो ज़्यादा बेहतरी। तो ये था मीन राशि के महानुभावों के लिए प्रमुख चर्चा का क्रम, जो कि राहु और केतु के मध्याह्न चरण के साथ में जुड़ा हुआ था। पुनः निवेदन, साढ़े साथ ही प्रथम प्रवास क्रम की पूर्णता को यहाँ मार्च 2025 के साथ लेकर चलेगी, राहु मई 2025 के साथ में परिवर्तन करेंगे, केतु भी उसी समय परिवर्तन करेंगे, दोनों साथ में परिवर्तन करते हैं। तो शनिदेव आगे जाकर मीन राशि स्थान में और राहु की स्थितियाँ मुख्यतया कुंभ राशि स्थान के साथ में अपने कॉम्बिनेशन को लेकर चल रही है, उस प्रोस्पेक्ट को अपने साथ में आप इवॉल्व जरूर करते चले जाइएगा। तो ये था चर्चा विषय प्रमुख तौर पर, हम इसी तरह से उपस्थित होने के प्रयत्न करते रहेंगे। धन्यवाद एवं कोटि शह आभार।